कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दूसरे प्रदेशों और जिलों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने के लिए सीएम योगी के आदेश ने सैकड़ों मायूस चेहरों पर खिलखिलाहट ला दी है। पिछले 24 घंटों से सैकड़ों छात्र और मजदूर गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, गोरखपुर मंडल के मजदूरों से भरी प्रयागराज और झांसी से भरी बसें बुधवार को नौसर चौराहे पर पहुंची। हर बस में 25 से 30 लोग बैठाए गए थे। सभी का नौसर चौराहे पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें नाश्ता कराया गया। उसके बाद गाड़ियों से जिलेवार और तहसीलवार भेजा गया। इस संबंध में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि प्रयागराज से आए छात्रों को नौसर चौराहे पर बस से उतारकर सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने कहा, दूरी रखो यार आपस में, एक एक मीटर कितनी बार से बोल रहा हूँ भाई। लड़के तुमको बोल रहा हूँ, पीछे से डिस्टेंस बना के रखे भाई। आप लोग को बार बार बताया जा रहा है आपस में डिस्टेंस रखिए। सभी लोग का स्कैनिंग यहाँ हो जाएगा, वहाँ नाम दर्ज होगा। जो इधर रूट वाले होंगे वापस उसी बस में बैठ के जाएंगे, अपने जगह पे उतरेंगे। स्टूडेंट जितने हैं होम क्वारंटाइन रहना है आपको, कहीं मूवमेंट नहीं करना है, लॉकडाउन ऐसे भी है। बाकी लोगों को प्रेरित करिए, आरोग्य सेतु ऐप सभी लोग सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल्स में हो, कर ले। यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, वहाँ पे आरोग्य सेतु का पूरा ये आप प्ले स्टोर में जाके, आपका है आरोग्य सेतु मोबाइल, वो सुरक्षा के लिए है यार। आपको अलार्म, सभी लोग प्रॉपरली मास्क लगा रहे हैं, अगर मास्क नहीं है तो गमछे से ही ढके रहे, प्रॉपरली रुमाल ही बांधे रहे अपना। डिस्टेंस मेंटेन करिए, वापस स्कैनिंग के बाद अपने बसों में जाके बैठ जाइए। संबंधित परिचालक जो हों वो यहाँ से डॉक्टर साहब से एक पर्ची लेंगे कि उनके बस के पूरी जांच हो गई है सभी की, उनका नाम नोट हो जाए। जो लोग जांच करा ले, कौड़ीराम बलालगंज वाले लोग रोडवेज पे पहुँचेंगे। एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए भाई, दूरी बनाकर रखिए। इलाहाबाद से आज 37 बसें हमको आनी हैं गोरखपुर में, और एक्चुअली गोरखपुर जनपद के लिए उसमें से 15 बसें हैं, और अन्य ज़िलों के लिए कुशीनगर, महाराजगंज के लिए कुल 37 बसें आनी हैं, जिसमें से 11 गोरखपुर की आ चुकी हैं। कुल 26 बस अब तक यहां से क्रॉस हो चुकी है। सबकी थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, सबका नाम नोट किया जा रहा है। जितने बच्चे इलाहाबाद से आए हैं पढ़ने वाले, उनको होम क्वारंटाइन किए जाने का निर्देश प्राप्त है। वो ऑलरेडी 14 दिन का क्वारंटाइन वहाँ पूरा करके आए। इस दौरान कोई सस्पेक्टेड केस भी पाया गया? नहीं, अब तक कोई सस्पेक्टेड केस नहीं है। ऑलरेडी ये इलाहाबाद से इनकी चेकिंग हो चुकी थी, उसके बाद ये यहाँ पे पुनः हम लोग करा रहे हैं। जो अन्य जनपदों के भी लोग इसमें आए हुए हैं उनके लिए क्या? वो बसें सीधे उन जिलों को भेजी जा रही हैं। वो इलाहाबाद से ही वैसे ही बैठाया गया था, और यहाँ पे विभिन्न तहसीलों को बैफरकेट करके हम लोग वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं।